आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सेल एंड इट्स पार्ट्स। सबसे पहले देख लेते हैं सेल की डेफिनेशन। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बुनियादी इकाई सेल है। सेल को उर्दू में खुलिया कहा जाता है। इट इज़ अ फंडामेंटल लिविंग यूनिट। सेल इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हम इसे आम आंख से नहीं देख सकते, इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, सेल के फॉलोइंग पार्ट्स हैं, इनको सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। दीज आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गॉल्जी अपरेटस, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो कभी भी कम्प्लीट सारे पार्ट्स नहीं पूछे जाते। मोस्टली या तो किसी एक पार्ट की डिटेल पूछ ली जाती है या फिर दो तीन पार्ट्स की डिटेल पूछी जाती है। तो मैंने इस वीडियो में फर्स्ट थ्री पार्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट ईयर की बुक है बायो की, उसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स बहुत डिटेल से दिए हुए हैं, बाकी पार्ट्स को आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लांट्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल्स में इट इज़ सेल मेम्ब्रेन। अ सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। इसका जो बेसिक फंक्शन है, ये सेल को शेप देती है एंड कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। और किसी भी चीज़ को अगर सेल के अंदर एंटर होना है किसी मटेरियल को, तो फर्स्ट इज हैज टू क्रॉस द बैरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स 20-40% है, प्रोटीन 60-80% है, एंड देयर इज सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू। लिपिड्स जो लेयर्स हैं वो आउटसाइड पे होती हैं, बाहर की तरफ लिपिड लेयर होगी और अंदर की तरफ प्रोटीन लेयर होगी। तो जो प्रोटीन लेयर्स हैं, लास्ट लाइन देखिए, प्रोटीन लेयर्स आर इम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स इन अ मोज़ेक मैनर। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टोटल 6 फंक्शंस मैंने लिखे हैं, बहुत ही इजी वर्डिंग में है। इट गिव शेप टू द सेल, इट ऑफर्स बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट्स एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट, अलाउइंग ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। मैंने पहले बताया कि किसी भी सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर एंटर होना है तो उसे सेल मेम्ब्रेन का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इसे ज़्यादा इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तीसरे फंक्शन में ये बताया गया है। चौथा फंक्शन देखें कि इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड आइंस। जाहिर है कि अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर भी इसे क्रॉस करके जाएगा, और बाहर वाले मटेरियल्स अंदर भी इसे क्रॉस करके ही अंदर एंटर होंगे। इन न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ, द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम का काम पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है बॉडी में। लास्ट फंक्शन ये है कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स चार्ज पोर्स। इसकी सतह पे पोर्स होते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगला पार्ट जो हमने स्टडी करना है वो है साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर जॉइंटली देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो इन दैट केस द लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स, इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। अब साइटोप्लाज्म के अंदर तीन चीज़ें हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, दूसरे जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट होंगे और स्टोरेज प्रोडक्ट्स होंगे। साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट को साइटोसोल कहा जाता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और केमिकली इट इज अबाउट 90% वाटर, 90% साइटोप्लाज्म में पानी है। इसके दो फंक्शंस हैं, इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स, जिसमें बहुत से वाइटल इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, एंड इट इज अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद लास्ट जो पार्ट हम स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेल के ब्रेन को कहा जाता है, एज इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जानवरों के सेल में ये दरमियान में होता है, और जबकि प्लांट सेल में ये एक तरफ लगा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इस वजह से इसकी जो पोजीशन है वो ये टुवर्ड्स साइड चली जाती है। न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। माइटोसिस मियोसिस का आपने फिनोमेना सुना होगा, जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज हो तो तब न्यूक्लियस विजिबल होता है। इट कॉन्टेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप मौजूद होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस कॉन्टेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड
क्रोमोसोम्स। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन पहले ही बता दी गई है, या आप यहां से करेंगे, ये न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। फिर आ जाता है न्यूक्लियोलस, इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी बाउंड्री। एक डार्क कलर की छोटी सी बॉडी होगी न्यूक्लियस के अंदर, जिसको न्यूक्लियोलस। इसका फंक्शन क्या है कि राइबोसोमल आरएनए ये बनाता है और उसे स्टोर करता है। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस एंड देन एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। यानी कि इसका बेसिक फंक्शन राइबोसोमल आरएनए बनाना है। और लास्ट जो पार्ट है वो क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के डिवाइडिंग फेज के दौरान अपेयर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। देखिए, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, और जीन्स के अंदर हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।